दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया। सो वन सेकेंड ट्रेवल्स इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं ट्रेवल्स इंडिया। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कि थोड़े दिन पहले ही एक मूवी आई थी कबीर सिंह करके, काफ़ी अच्छी मूवी थी, लोगों को मतलब इतनी ज़्यादा पसंद आई ना कि मैंने खुद ने दो बार देखी। तो मैं ऐसे ही देख रहा था तो मेरे को पता चला कि ये मूवी यहाँ पे शूट हुई है। तो मैं आज वो लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ और मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा कि ये लोकेशन मुंबई में कहाँ पे है और हम लोग उसको कैसे देख पाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि मैं कहाँ पे आया हूँ और वहाँ पे क्या शूट हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा, ये सेंट्रल जो लाइब्रेरी है यहाँ पे काफ़ी मूवी शूट होती है। और मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आएगा कि कैसे वो मूवी शूट हुई थी और किस किस एंगल से हुई थी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मूवी का जो पहला सीन है वो वहाँ का है, जब भी शाहिद कपूर लास्ट के अंदर जब भी सब कुछ छोड़ ओड़ के सब वापस काम पर लगने के लिए मुंबई आते हैं, तो ये वाला सीन यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने से लिया हुआ है। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हमारा जो दूसरा सीन था मूवी के अंदर, तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने ही एक गार्डन है, गार्डन के अंदर शाहिद कपूर देखते हैं प्रीति जी को। तो ये वाला शॉट ऐसे लिया हुआ था, गार्डन के अंदर से लिया हुआ था, शाहिद कपूर बाहर से देखते हैं लाइक कुछ इस टाइप से। फिर जो तीसरा सीन था वो था कि जैसे ही शाहिद कपूर गार्डन के अंदर आते हैं तो ये भी सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने वाला, आप पीछे देख सकते हो कि सेंट्रल लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको दिखाई दे रही है, और ये गेट से अंदर आते वक्त का शॉट था। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ उस गार्डन के अंदर जिस गार्डन के अंदर कबीर सिंह मूवी की शूटिंग हुई थी। तो अभी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा गार्डन कुछ ऐसा है। और सबसे पहले बताना चाहूँगा ये जो मूवी थी, मतलब मूवी के अंदर जो होता है एक्चुअल में वो रियल में नहीं होता है, क्योंकि जो गार्डन के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में वैसी नहीं रखी हुई है जैसा मूवी के अंदर दिखाया था। क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी तरफ मतलब बेंचेज लगे हुए हैं जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, लेकिन मूवी के अंदर क्या रहता है कि वो लोग खुद के अकॉर्डिंग वहाँ पे बेंच लगा सकते हैं। तो अभी मैं एक लोकेशन पर खड़ा हूँ कि यहाँ पे मतलब वो बेंच लगा था, और उसके पीछे का ये आप जो पेड़ देख सकते हो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर, ये जो पीछे वाला पेड़ है वहाँ पे ये लोग ने यहाँ पे बेंच लगाया था और यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी शूटिंग हुई थी। लेकिन अभी गार्डन के अंदर एक्चुअल में वो बेंच नहीं है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन एक्चुअल में लोकेशन यही है। और अगर आप लोग देखने के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी आप वहाँ पे आ सकते हो और ये पूरा का पूरा गार्डन देख सकते हो। और बैकग्राउंड में आपने देखा रहेगा और नोटिस किया रहेगा तो ये सब बिल्डिंगें भी आपको दिखती है। तो अभी बात करते हैं मूवी का जो लास्ट, मतलब लास्ट की जितनी भी मूवी में जो लास्ट का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा उस गार्डन के अंदर शूट हुआ था 2 दिन के लिए। जैसे कि एक दिन पहले वो देख के जाते हैं शाहिद कपूर प्रीति जी को देख के जाते हैं, और सेकंड टाइम फिर अपने दोस्त को लेके आते हैं। तो जो सेकंड डे में लेके आते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे भी वैसा ही था सेकंड डे भी वैसा ही था, तो मैं अभी सेकंड डे का लास्ट वाला पार्ट आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अभी ये वाला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अभी नीचे आप देख सकते हो, ये वाला सीन यहाँ पर लिया हुआ था। यहाँ पर आप जो पेड़ देख सकते हो, ये पेड़ के सामने ही यहाँ पर एक बेंच लगाई हुई थी, यहाँ पे वो जो पूरा का पूरा जो शूट है वो किया गया था। तो आप ये देख सकते हो कि गार्डन कुछ ऐसा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा कि पेड़ भी यहाँ पे था और यहाँ पे वो बेंच लगी हुई थी। तो अभी मैं लास्ट जो हमारा जो सीन है वो इस मूवी के अंदर था कि जब भी शाहिद कपूर अपने फ्रेंड को लेके आता है कि बोलता है कि प्रीति इस गार्डन के अंदर आई थी, तो वो जब भी वहाँ पे गाड़ी लेके मतलब अपनी बाइक को जहाँ पे रोकते हैं, ये वाला सीन आप पीछे देख सकते हो कि ये आपको पीछे दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी सामने जब भी सब्जेक्ट रहता है तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है तो आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ वाली बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियोज़ चाहिए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया यार, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो डेफिनेटली आप लोग के लिए बनाऊँगा। तो बाय बाय।